हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स जिस जिन मेरे फ्रेंड्स ने आरआरबी डी ग्रुप का पेपर अब तक नहीं दिया है दोस्तों, मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो गाइज इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले जो सूर्य निकलता है दोस्तों, वो निकलता है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भारत रत्न। भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च सम्मान माना गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका आंसर है दोस्तों आपका इंदिरा गांधी, जिसको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। इसका आंसर है दोस्तों आपका केरल राज्य में, जो कि जून के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुआ था। इसका आंसर है दोस्तों आपका बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों बोध गया से हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है। इसका आंसर दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका आंसर दोस्तों आपका विटामिन ए के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कागज का आविष्कार किस देश ने किया। इसका आंसर दोस्तों आपका चीन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कोपरनिकस, जो कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। गाइस हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मधुमेह के इलाज में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा मांसीराम, जो कि मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। इसका आंसर दोस्तों आपका रजिया सुल्तान बेगम, जो कि केथल से थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जॉन जेलीबर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां और कब हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अमृतसर 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है। इसका आंसर दोस्तों आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह माना गया दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन सी है। इसका आंसर दोस्तों आपका रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछलियां अपना सांस किसकी सहायता से लेती हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका गलफड़ों की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के स्थापक माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। इसका आंसर दोस्तों आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम के जनक हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1764। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डी गामा का भारत में आगमन कब हुआ था। इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिख धर्म के स्थापक कौन माने जाते हैं।
इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा गुरु नानक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कश्मीर। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? इसका आंसर दोस्तों आपका अमृतसर। जो स्वर्ण मंदिर स्थापित है दोस्तों अमृतसर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? इसका आंसर दोस्तों आपका पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका चीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों महर्षि देवास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका आंसर दोस्तों आपका केरल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर दोस्तों आपका गुरुमुखी लिपि में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय नालंदा, जिसकी स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका बाघ। भारत को जो राष्ट्रीय पशु माना गया है बाघ को माना गया गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। और आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों उनका भी राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रगान के लेखक कौन है? इसका आंसर दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर, जिसे राष्ट्रगान के लेखक माना गया गाइस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कहां और कब गाया गया था? इसका आंसर दोस्तों आपको कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? इसका आंसर दोस्तों आपका पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के झंडा गीत विजय विषय तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? इसका आंसर दोस्तों आपका श्री श्यामलाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम धातु कौन सा था? इसका आंसर दोस्तों आपका तांबा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका हीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरे के आविष्कार कौन थे? इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रोडजन, जो कि एक्सरे के आविष्कारक थे। दोस्तों हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका आंसर दोस्तों आपका महाभारत, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य दोस्तों महाभारत को माना गया है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।